इस बात में कोई शक नहीं है कि पृथ्वी को जीवन योग्य बनाने में पेड़ पौधों का अहम योगदान है, जो हमें ऑक्सीजन, फल फूल, लकड़ी, दवाइयां और छाया प्रदान करते हैं। लेकिन बीते कुछ सालों में पृथ्वी पर पेड़ों और जंगलों की संख्या लगातार घटती जा रही है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और ग्लेशियर पिघल रहे हैं। इसकी वजह से समुद्रों में बाढ़ की स्थिति बनी रहती है, जिससे बचने के लिए पेड़ों का ही इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, धरती पर कुछ ऐसे चमत्कारी पेड़ भी मौजूद हैं, जो समुद्र की ताकतवर लहरों से टकराकर बाढ़ के प्रभाव को कम करने में मददगार साबित होते हैं, और आज हम उन्हीं पेड़ों के बारे में विस्तार से जानेंगे। समुद्री लहरों का मुकाबला करते हैं पेड़। अगर आप धरती के इतिहास को खंगालने का फैसला करते हैं, तो आप पाएंगे कि 450 करोड़ साल पुरानी पृथ्वी पर पेड़ पौधों के उगने की प्रक्रिया काफी देरी से शुरू हुई है। दरअसल हमारी पृथ्वी लंबे समय तक आग के गोले के समान गर्म थी, जो धीरे धीरे ठंडी हुई और फिर उसमें महासागर व नदियां आदि तैयार हुए थे। वहीं धरती पर पेड़ पौधों के विकसित होने की प्रक्रिया आज से लगभग 47 करोड़ साल पहले शुरू हुई थी। यानी अगर हम पृथ्वी की उम्र 100 साल मान लेते हैं, तो उसमें पेड़ पौधों के विकास को सिर्फ 10 साल हुए हैं, जबकि पृथ्वी ने 90 साल का लंबा वक्त बिना पेड़ पौधों के ही गुजार दिया है। हमें आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि पृथ्वी और यहाँ रहने वाले जीव जंतुओं व इंसानों के लिए पेड़ पौधों की मौजूदगी कितना जरूरी है, जिसके बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम इंसानों ने बीते कुछ सालों में अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पेड़ पौधों की निरंतर कटाई की है, जिसकी वजह से न सिर्फ जंगल तेजी से खत्म हो रहे हैं, बल्कि पृथ्वी का तापमान भी बढ़ रहा है। ऐसे में ज्यादा गर्मी होने की वजह से ग्लेशियर और बर्फ के पहाड़ों के पिघलने की रफ्तार तेज हो गई है, जिसकी वजह से समुद्र का जल स्तर बढ़ जाता है और इसकी वजह से बाढ़ के हालात पैदा हो जाते हैं। दुनिया भर में बहुत से देश और शहर समुद्र किनारे बसे हुए हैं, जिन्हें बाढ़ और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदा से निपटने में लंबा वक्त लग जाता है, और इस दौरान कई लोगों की जान भी चली जाती है। यही वजह है कि बाढ़ और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए खास तरह के पेड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें मैंग्रोव ट्री कहा जाता है। इस तरह के पेड़ों को उन जगहों पर उगाया जाता है जहां बाढ़ और सुनामी का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। वर्तमान समय में सबसे ज्यादा मैंग्रोव ट्री के जंगल इंडोनेशिया में पाए जाते हैं, जहां 31,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा एरिया लंबे लंबे पेड़ों से ढका हुआ है। इन पेड़ों की सबसे बड़ी खासियत है कि इन्हें खारे पानी में आसानी से उगाया जा सकता है, जिसकी वजह से इनकी आबादी में लगातार वृद्धि होती रहती है। मैंग्रोव ट्री का संबंध ज्वार भाटा से है, जिसमें ज्वार के समय तटीय इलाकों में समुद्र का पानी भर जाता है और भाटा के दौरान पानी कम हो जाता है। इससे तटीय इलाकों की मिट्टी दलदली हो जाती है, जबकि उसमें नमक की मात्रा काफी ज्यादा होती है। मैंग्रोव में किसी एक प्रजाति के पेड़ पौधे नहीं आते हैं, बल्कि इसमें 80 से ज्यादा विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की किस्में शामिल हैं। इन पेड़ पौधों को तटीय इलाकों में उगाया जाता है, जिन्हें जीवित रहने के लिए मिट्टी में ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, और यह खारे पानी में भी आसानी से विकसित हो जाते हैं। इतना ही नहीं, यह पेड़ गर्म या नमी वाले इलाकों में ही उगते हैं, जो ज्यादा ठंड या बर्फीले तापमान को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मैंग्रोव जंगल तटीय इलाकों के लिए किसी सुरक्षा दीवार से कम नहीं होते हैं, जो समुद्र की ऊंची लहरों और पानी को शहर के अंदर दाखिल होने से रोकते हैं। जब कभी इन इलाकों में बाढ़ या समुद्री तूफान की स्थिति पैदा होती है, तो यह जंगल तेज हवाओं की दिशा को बदलने और पानी के कटाव को रोकने में सहायक होते हैं। यह पेड़ आकार में काफी लंबे होते हैं, इसलिए जब कभी तेज लहरें इनसे टकराती हैं, तो पानी का फ्लो अपने आप कम हो जाता है। वहीं पानी के तेज टकराव की वजह से इन पेड़ों पर कोई खास असर नहीं पड़ता है, और न ही वह टूटकर जमीन पर गिरते हैं, क्योंकि इनकी जड़ें आपस में बहुत ही मजबूती के साथ जुड़ी हुई होती हैं। मैंग्रोव जंगल सिर्फ तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को बाढ़ और सुनामी के पानी से ही नहीं बचाते, बल्कि यह उन्हें रोजगार और भोजन प्रदान करने का भी काम करते हैं। दरअसल इन पेड़ों की जड़ों के आपस में जुड़े होने की वजह से एक जाल जैसी आकृति बन जाती है, जहां ढेर सारी मछलियां इकट्ठा हो जाती हैं। ऐसे में यह मछलियां सुरक्षित स्थान पर रहते हुए बड़ी होती हैं, जिन्हें कभी कभार तटीय इलाकों में रहने वाले लोग पकड़ लेते हैं और उनसे अपने भोजन की जरूरतों को पूरा कर लेते हैं। मैंग्रोव जंगल तटीय इलाकों के लिए बहुत ही जरूरी माने जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी धरती के सिर्फ 0.1% इलाके में ही इस तरह के जंगल मौजूद हैं। इतना ही नहीं, मैंग्रोव जंगल आम जंगलों के मुकाबले प्रति हेक्टेयर 10 गुना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने में काफी मदद मिल सकती है। यही वजह है कि पृथ्वी पर लगभग 100 से ज्यादा देशों की तटरेखा के पास मैंग्रोव जंगल उगाए गए हैं, जो बाढ़ और सुनामी की स्थिति से निपटने में काफी मददगार साबित होते हैं। लेकिन बीते कुछ सालों में मैंग्रोव जंगलों का आकार सिमटता जा रहा है,
जिसके लिए हम इंसान ही जिम्मेदार हैं। दरअसल खेती के लिए ज्यादा जमीन और परियोजनाओं के लिए तटीय इलाकों पर मौजूद मैंग्रोव के जंगलों की कटाई कर दी जाती है, जिसकी वजह से उनका नेटवर्क लगातार कमजोर होता जा रहा है। अगर हमारे देश भारत की बात की जाए तो यहाँ 5000 वर्ग किलोमीटर के तटीय इलाके में मैंग्रोव जंगल मौजूद है। वहीं देश में सबसे ज्यादा और बड़ा मैंग्रोव जंगल पश्चिम बंगाल में स्थित है, जिसे सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। सुंदरवन का एक हिस्सा पश्चिम बंगाल में मौजूद है, जबकि इसका दूसरा हिस्सा बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार केरल में रहने वाले मुरुकेसन टीपी नामक एक शख्स ने तटीय इलाके के पास अकेले मैंग्रोव जंगल खड़ा कर दिया, जिसमें 1,00,000 से ज्यादा पेड़ पौधे मौजूद हैं। इन पेड़ पौधों को दलदली जमीन में रोपा जाता है, जिसके लिए पानी में उतरना पड़ता है और इलाके का मुआयना करके थोड़ी थोड़ी दूरी पर पेड़ लगाए जाते हैं। वैसे तो इन पेड़ों को बहुत ज्यादा पोषक तत्वों की जरूरत नहीं होती है, लेकिन इनकी समय समय पर देखभाल करना जरूरी होता है। एक बार जब मैंग्रोव जंगल अच्छी तरह से तैयार हो जाता है तो फिर उसे किसी प्रकार की देखभाल की जरूरत नहीं होती है और वह तटीय इलाके के लिए सुरक्षा दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं। इतना ही नहीं, दुनिया भर के विभिन्न देश और सरकारें भी इस बात से अवगत हैं कि मैंग्रोव जंगल बाढ़ और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदा से बचाव करने में काफी मददगार साबित होते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इन जंगलों को बढ़ाने के बजाय उनकी कटाई तेज हो गई है। अगर यही हालात रहे तो भविष्य में मैंग्रोव जंगलों की संख्या और भी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से समुद्री प्राकृतिक आपदा में बढ़ोतरी होना तय है। ऐसा होने पर न सिर्फ सैकड़ों लोगों का जीवन प्रभावित होगा, बल्कि उनके रहने की जगह और खाने पीने की चीजों में भी कमी आ जाएगी। मैंग्रोव जंगल सिर्फ हम इंसानों के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि इन जंगलों में जली और जंगल में रहने वाले जीव जंतुओं का घर भी होता है। इससे प्रकृति को पनपने में मदद मिलती है, जबकि पृथ्वी के तापमान को भी काफी हद तक संतुलित किया जा सकता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि वह कौन से पेड़ हैं जो बाढ़ और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं से इंसान की रक्षा करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।